ये देखिए खेत खलिहान। अरे अरे ये कौन है? अरे हगरा, अरे 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 अरे। तो देखो ये है पत्थर, इसे फेंकने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत बड़ा पत्थर है, वह तो छोटे छोटे फक रहे हैं सबके सब, हम फेंकेंगे इतना बड़ा सा पत्थर, देखें कितनी कुद्दी मारेगा कि ना। यो ले भाई तेरा ससुरा। जय बाबा बालचंद्र। बलिया से निकल रहे हैं हम, हमारी है ट्रेन लेट, तो तब तक के लिए हम यहाँ पे बाबा बालखंडी के मंदिर में आए हैं, जो कि शिव जी का ही अवतार है और ये पूरा पूरा उनका परिसर है। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ पे दर्शन हो गए, अब यहाँ से चलते हैं। कर रहे हैं यार हम लोग, मतलब सिर्फ टाइम व्यतीत करने के लिए। अब देखो हम कहाँ पे अभी तो यहाँ पे अभी हम फोटो शूट कर रहे हैं। बालखंडी बाबा के दर्शन करने के बाद और थोड़ी सी दूर चलने के बाद अब हम आए अवनीनाथ बाबा के यहाँ। ये भी भोलेनाथ का ही मंदिर है, बस ये उनके अवतार है जिनके इन्होंने यहाँ मंदिर बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पे। चलिए चलते हैं यहाँ से भी, घर में लंगूर आ गया है, सुसु कर रहे हैं बैठ के। पहला नहीं पहनता है भैया, स्मार्ट लग रही है। वक्त हो गया आखिरकार यहाँ से, इस खूबसूरत से शहर से, प्यारे प्यारे लोगों से दूर। सवारी आ गई, बाय बाय। टाटा बच्ची। वैसा पूरी ट्रेन में पानी भर गया। हाँ रेलवे सुधर तो गई है, लेकिन इतना सारा ये अकेला भाई करेगा कैसे, सामान हटा के इतना पानी। अरे जिया बहादुर यार, हम फिर से आ गए वाराणसी जंक्शन पे, अब जा रहे बनारस स्टेशन की तरफ। देखते हैं ट्रेन से जाएंगे या फिर ऑटो ले रहे हैं, क्योंकि मौसम बड़ा सही हो रहा है अभी, बिल्कुल बारिश हुई है बहुत खतरनाक वाली, ऐसे ओले वाले मोटे मोटे पत्थर। ट्रेन का प्लान कैंसिल हो गया, ऑटो का प्लान कैंसिल हो गया, अब जा रहे हैं रिक्शा से। भीगी भीगी सड़कों पे मैं वाराणसी से बनारस जाऊं, बनारस स्टेशन पे आ गए। हमारी ट्रेन आ गई है जिसका नाम है बनारस दिल्ली सुपर एक्सप्रेस। सुपर एक्सप्रेस है ना ये, बनारस न्यू दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अपनी सीट पे आ गई, दिस इज 63 एंड 64। यार क्या हालत हो गई है मेरी, बालों की भी कैप की भी, कल से मैंने सर नहीं धोया, कल इतना सफर किया है मैंने सर नहीं धोया, नहा लिया लेकिन सर नहीं धो पाए। तो दीदी ने हम लोगों के लिए भेजा है हमारे साथ लिट्टी। कौन सा वाला लिट्टी है ये, कौन सा वाला लिट्टी है? फ्राइड लिट्टी ना। हाँ ये रहा, इसको हम खाएंगे लस्सी के साथ, लस्सी का ये हमने दे दिया थोड़ा सा ड्रिंकेबल आइटम। बोलो थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी।
अभी मैं ऑलमोस्ट गाजियाबाद पहुंचने वाला हूँ, तो गाजियाबाद से मैं ट्रेन चेंज करके अपने घर की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन ये है अभी वक्त राज को टाटा बाय बाय करने का। टाटा राज, अरे हो तो हम नई दिल्ली तक जाने वाले थे, लेकिन नई दिल्ली तक राज जाएगा, मैं गाजियाबाद उतर जाऊंगा। तो इस व्लॉग की समाप्ति मैं यहीं पे करता हूँ, ताकि मैं नए व्लॉग की शुरुआत करता हूँ। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर। ये है हमारे राजा साहब, जो कि ये भी शर्मीले, सारे के सारे लोंडे शर्मीले हैं हमारे यहाँ से।